तो जय हिंद। आज हम बात करेंगे इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया किस तरफ जाना चाहिए और इंडिया के क्या प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा मैं ब्रीफ हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूं आपके इसराइल के जो जन्म है वहां से लेकर आज तक के। तो बेसिकली क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर वन चला था आपका 1914 से लेकर 1918 के बीच में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन आपको पता है इंडियन हिस्ट्री में या वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कभी स्कूल में कि दो वर्ल्ड वॉर हुए हैं आपका, एक वर्ल्ड वॉर वन हुआ है, एक वर्ल्ड वॉर टू हुआ है। तो वर्ल्ड वॉर वन और आपके पास एक वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था आपके पास 1914 से लेकर और 1918 के बीच में, तो इसे हम विश्व युद्ध वन बोलते हैं। और ये हुआ था आपके पास 1939 से लेकर और 1945 के बीच में। अब ध्यान से समझना, वर्ल्ड वॉर वन के समय क्या हुआ था कि जो वर्ल्ड वॉर वन जब चल रहा था तो इसमें कुछ देश कौन कौन से, आपके पास ब्रिटेन फ्रांस जो वाले जो ग्रुप है इन्होंने लड़ाई करी थी, ठीक है। ब्रिटेन फ्रांस का जो आपके पास एलाई ग्रुप है इन्होंने लड़ाई करी थी आपके पास किन से, आपका जर्मनी लेड से, ठीक है। अब इसमें साथ दिया था किसने, जर्मनी ग्रुप का, ऑटोमन ने, ठीक है। ऑटोमन ने, ऑटोमन साम्राज्य ने इसका साथ दिया था। ऐसे ही वर्ल्ड वॉर टू में जो एलाइज थे ब्रिटेन फ्रांस रशिया, ब्रिटेन फ्रांस रशिया बाद में यूएसए, ठीक है, और यूएसए, इन्होंने लड़ाई करी थी किनके साथ, जर्मनी, इटली, जापान, इस ग्रुप के साथ, ठीक है। तो अब क्या ध्यान से सुनना, वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ तो वर्ल्ड वॉर वन में आपके पास जब 1918 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ तो ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ दिया गया। अब ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ दिया गया, टर्की में डेमोक्रेटिक सरकार आ गई और आपके पास यहाँ तक जो है आपका ये पूरा ऑटोमन साम्राज्य था। ये देखो, ये सारा ऑटोमन साम्राज्य था, ऑटोमन एम्पायर था, ये पूरा का पूरा जो अलग अलग सालों का मैंने दिखा रखा है कि कब कब ऑटोमन साम्राज्य ने इन्हें ऐड किया, जैसे अल्जीरिया 1830 और इसके बाद ट्यूनिशिया 1881, लीबिया 1912, फिर इजिप्ट 1882, फिर आपके साइप्रस 1878, फिर क्रेटे 1913, फिर ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, बॉस्निया, ये सब आपके पास जो है आपके पास। फिर लास्ट में देखो यमन, ये 1913 जस्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, वर्ल्ड वॉर वन से पहले। इसी में आपके पास यहाँ पर जो एरिया दिखता है यही जो एरिया है आपके पास यही कहलाता है आपके पास इसराइल पैलेस्टीन वाला एरिया, ठीक है। ये रेड सी है और यहाँ पर ये मेडिटेरेनियन सी है, इसे हिंदी में भूमध्य सागर कहते हैं, लाल सागर यानी कि आपका रेड सी कहते हैं। अब ध्यान से देखना, ये आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम है। अब ये जो यहूदी लोग हैं जो आपके पास आज की डेट में जो आप इसराइल सुनते हो, ये बेसिकली क्या है, ये ज्यूज लोग जो हैं आपके पास ये दुनिया में अपना जगह ढूंढने लगे, ज्यूज, ठीक है। और जो ज्यूज हैं 1850s के आसपास में अपने लिए एरियाज ढूंढने लगे। अब इनकी जो स्टार्ट होती है यहूदी धर्म की जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है आपके पास कहाँ से, आपके मोसेस से। बाइबल में मोसेस कहते हैं और आपके पास कुरान में इसे मूसा कहते हैं, और मोसेस से इनकी स्टार्ट होती है, ठीक है। मोसेस से इससे स्टार्ट होती है। इसके बाद आगे जाकर इसी भी सिस्टम में इनको फॉलोवर जो होते हैं इसमें आपके पास जैकब या इसराइल एक व्यक्ति होता है, ठीक है। अब इसको फॉलोवर जो बनते हैं ये जो ज्यूज हैं ये इसको इसी की ट्राइब में आगे बढ़ते हैं। अब जो ये ज्यूज लोग हैं ये क्या करते हैं, पूरे दुनिया में फैले होते हैं। वन ऑफ द शार्पेस्ट ब्रेन आपने सुना होगा, इनकी नोबेल प्राइज आप गूगल कर लेना कितने इनके लिस्ट हैं ज्यूज लोगों की आज की रेट में। तो अब ये क्या करने लगे 1850s के समय में, ये अपने लिए एक इन्होंने बोला भाई दुनिया में हमारा तो कोई राष्ट्र नहीं है, मुस्लिम्स का राष्ट्र है, हिंदूज का राष्ट्र है, क्रिश्चियनिटीज के बहुत सारे देश हैं, मुस्लिम्स के बहुत सारे देश हैं, तो हमारे लिए भी एक देश होना चाहिए, हम दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हैं। तो एक कॉन्सेप्ट की स्थापना हुई, कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश हुआ, उसका नाम था जायोनिज्म, ठीक है। अब ये जायोनिज्म हुआ तो इन्होंने कहा कि हमारा जो सबसे प्योर सबसे पायस शहर है उसका नाम क्या है, यरूशलम। क्या नाम है, यरूशलम, ठीक है। अब ये यरूशलम जो शहर है ये क्या सबसे पवित्र शहर है इनका, इसके अलावा इस्लाम में भी ये प्योर है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है यरूशलम शहर जो है यहाँ पर इनके एक प्रॉफिट थे उनका नाम था इब्राहिम या फिर अब्राहम, इन्होंने अपने बेटे की जो है क्या दी थी, अब्राहम ने अपने बेटे की बलि देने के लिए करा, उसके बदले गॉड ने जो है आपके पास क्या करा, एक जानवर रख दिया। तो ये मानते हैं कि ये बहुत प्योर जगह है और यहाँ पर इनका जो है ओल्ड टेम्पल था कहाँ पर, इसी यरूशलम शहर में। क्रिश्चियनिटी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या करा, जो आपके ईसा मसीह थे उनको क्या कर दिया गया था, सूली पर चढ़ा दिया गया था, और ईसा मसीह को सूली में चढ़ा दिया गया था। इसके अलावा क्या किया गया था आपके पास, वहीं पर उन्होंने दोबारा से क्या किया था अपना, दोबारा ये पैदा हुए, जैसे आप बताते हैं कि दोबारा से गुड फ्राइडे होता है और फिर गुड फ्राइडे के बाद संडे के दिन जो है ईस्टर होता है, तो ये दोबारा से फिर क्या हो गया कि वहाँ से निकल गए ऐसा बोलते हैं, और वो अमर है, सब लोग क्रिश्चियनिटी में मानते हैं। तो
अब जो इस्लाम है, इस्लाम में भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जेरूसलम, और ऐसा बोला जाता है कि बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मक्का जो जेरूसलम शहर है उसी तरफ जो है दुनिया भर के मुसलमान जो थे इबादत करते थे उसी तरफ सर करके, जैसे आज की डेट में मक्का में करते हैं। ठीक है, अब तीनों धर्मों के लिए एक इम्पॉर्टेंट शहर था, तो जो यहूदी थे उन्होंने कहा सबसे पुराना जो कह सकते हैं जो राइट है वो हमारा है, और वो इस तरफ जो है जेरूसलम की तरफ ज़ायोनिज्म में आने लगे। अब वो आपके पास क्या, वर्ल्ड वॉर टू हो गया ख़त्म। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर टू जब ख़त्म हो गया तो वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होने के बाद क्या करा, जो आपके पास यूनाइटेड नेशंस था तो वहाँ पर ये मुद्दा गया, ब्रिटेन कह सकते हो और यूएस ने इनको सपोर्ट करा यहूदियों को, और ये जाके पैलेस्टाइन नाम के जो देश है, जो एरिया है वहाँ पे बसने लग गए यरूशलेम के आसपास के इलाकों में। मैं समझाता हूँ, तो 1947 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से, और उन्होंने कहा कि एक प्लान दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इसी जगह पर ठीक है तीन टुकड़े बनाए जाएंगे, यरूशलेम शहर जो इंटरनेशनल सिटी रहेगा, एक हिस्सा रहेगा आपका पैलेस्टीन जो कि आपके अरब का एरिया है, और तीसरा जो यहूदी है उनके लिए उसी एक पर्टिकुलर पोर्शन में उसी पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, ये आपके पास इन्होंने बोला, यूनाइटेड नेशन के जो रेजोल्यूशन था उसने ये कहा कि ये आपके पास एरिया रहेगा और ये डिवाइड किया जाएगा। देखो कहाँ पे, रेड सी और किसके बीच में, रेड सी और मेडिटेरेन के बीच में। देखो ये अब यहाँ पर ये फिलिस्तीन एरिया है, और यहाँ पर ये फिलिस्तीन हो गया, और यहाँ पर ये आसपास इसराइल हो गया, और इसराइल एक देश बना जिसने अपनी कैपिटल बनाई तेल अविव। अभी वो यरूशलेम की तरफ जो है वो जा रहे हैं, जो कि उनका ज़ायोनिज्म का ओरिजिनल एजेंडा है। अब ये फिलिस्तीन हुआ, जब इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई तो अरब देशों ने क्या करा भाई, इसके खिलाफ बोला कि भाई दूसरे के देश में तुम घुस गए हो, यहूदी दुनिया भर के यहूदी यहाँ आके बस गए, अपने लिए एक देश बना दिया। और आपको बता दूं दुनिया में कोई भी यहूदी किसी भी एरिया में हो तो वो इसराइल का क्या है, सिटीजन है, खुद में खुद सिटीजन है। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा करते हैं कि अब जो है इनको रोकना पड़ेगा। तो जो आपके पड़ोसी जो अरब मुल्क थे उन्होंने समय समय पर यहाँ पर मिलिट्री एक्शंस किए। तो फटाफट बताता हूँ, 1948-49 में पहला अरब इसराइल वॉर हुआ, फिर 56 में हुआ, 67 में हुआ, 6 दिन, इसे 6 डेज वॉर भी कहते हैं, 6 डेज वॉर भी कहते हैं, जिसमें आपके पास इसराइल जो है उसने क्या करा, अरब मुल्कों को एक साथ हरा दिया। इसके बाद 1973, 1982 और 2006 में इसके जो है लड़ाइयाँ हुई। इसराइल जो है हर बार में एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर रहा था, जैसे आपके पास 1947 में ये मोस्ट ऑफ द एरिया पैलेस्टीन था, इसके बाद 1947 में जो पैलेस्टीन प्लान है ठीक है, यरूशलेम इंटरनेशनल सिटी, कुछ एरिया यहूदियों के लिए और कुछ एरिया अरब्स के लिए। फिर 1949 से 67 के बीच में जब लड़ाइयाँ हुई तो आपके पास इसराइली फोर्सेस ने जो कि बैक्ड थी वेस्ट से, वेस्ट मतलब आपका ऑब्वियसली बात है यूनाइटेड स्टेट्स और आपका ब्रिटेन, तो इन्होंने इसे लॉजिस्टिक्स दिया, हथियार दिया, और इसराइल फोर्सेस ने क्या करा, ये आपका पूरा एरिया जीत लिया। अब इसके बाद एट प्रेजेंट जो है आपके पास छुटपुट एरियाज़ में ही जो है आपके पास क्या है, पैलेस्टीन की कॉलोनीज़ हैं ठीक है ये, और एक छोटी सी स्ट्रिप है जहाँ पर आपका ये पैलेस्टीन का एरिया है, गाज़ा जिसे आप लोग बोलते हो, गाज़ा स्ट्रिप एक छोटी सी है, और आपके पास ये बाकी एरिया है, देख लो आप यहाँ पर आपके पास है बाकी एरियाज़ में इसराइल है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक वॉल्ड एरिया बना दिया है किसने, इसराइल ने, और ये जो बंदे हैं जो यहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं बहुत ही डेंस एरिया में रहते हैं, 20 लाख पॉपुलेशन इस एरिया में सिकोड़ दी गई है ठीक है, सिर्फ 20 लाख जो 20 लाख लोग हैं इतने छोटे से एरिया में, बहुत छोटे एरिया में इन्हें एक तरीके से वॉल्ड एरिया में रह गए, प्रिजन की तरह काम कर रहा है। अब जो इसराइल है उसने भाई उनका वो कह रहे हैं कि हमारा नेटिव लैंड है, हम लोग की यहाँ से स्टार्ट हुई है जेरूसलम से। अब ये जब चलता रहा, अब जब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया ठीक है, तो अभी देखो ये आपके पास है, ये वेस्ट बैंक का एरिया है जो आपके पैलेस्टाइन है, यहाँ पे भी पूरा नहीं है, यहाँ जेरूसलम नाम का शहर है और ये गाज़ा स्ट्रिप है, ये देख लो। इसके अलावा ये सिनाई पेनिनसुला है, एग्जाम्स में अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं, इसके वेस्ट में आपका सिनाई पेनिनसुला है। अब देखो ये आपके पास ये टेरिटरी इसराइल की है, और ऊपर जो है इसके नॉर्थ में देख सकते हो ये क्या है, गोलन हाइट्स है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। हालांकि आपको बता दूं इसराइल की फौज जो है सिनाई पेनिनसुला और तक भी पहुंच गई थी, हालांकि अब सीज फायर लाइन है, ये जो डैश आपको दिख रहा है ये सब ये जो आपके पास दिख रहा है ये सब सीज फायर की लाइन्स है ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा तो देखो क्या हुआ, जब ये सिस्टम चल रहा था, जब आपके पैलेस्टीनियन लीडर्स थे उनका नाम एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर माना जाता है यासर अराफात, तो इंटरनेशनली इन्होंने क्या करा था, रिकॉग्नाइज कर दिया था कि भाई ठीक है इसराइल की प्रेजेंस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, पर हमारे जो पैलेस्टीनियंस हैं उनके राइट भी मेंटेन रहने चाहिए ठीक है, यासर अराफात। अब इसराइल का जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो हमास नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी ठीक है, इसे धीरे धीरे ऐसा बोला जाता है कि इसे उठाया इस वजह से गया था कि ताकि यासर अराफात की जो पार्टी थी उसको क्या करा जाए, उसको सब्स्टिट्यूट किया जाए, एक पैडल पावर बन सके। अब हमास जो है ये बनी थी आपके पास मुस्लिम ब्रदरहुड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी इजिप्ट में, मुस्लिम ब्रदरहुड,
उससे ही अलग होके बनी थी, ठीक है, मुस्लिम ब्रदरहुड नाम के ऑर्गेनाइजेशन से मिलके, मतलब हटके ये बनी थी 1987 में। और इसका जो क्लियरली जो फंडामेंटल जो कह सकते हो इसका जो रिजोल्यूशन है वो ये कहता है कि आपके पास, हमारे पास जो पैलेस्टीन है उसके एरिया को क्या करना, अपने उनके जो इंटरेस्ट है उसको क्या करना, आपका कंट्रोल करना, और इसराइल का जो ऑक्यूपेशन है उसको पूरी तरीके से हटा देना, ठीक है, और ये पूरा का पूरा एरिया जो है किसके, फलस्तीनी लोगों के लिए ही जो है सिक्योर करना। अब चलो भाई ये चलता रहा, अभी रिसेंटली क्या हुआ आपको पता होगा जो ये आपके पास ऑब्वियसली बात है जो पैलेस्टीनियंस है इनके पास कोई ज़्यादा बहुत बड़े हथियार नहीं है, और जो हमास है ये भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, तो ये क्या करती है इजरायली टेरिटरीज में क्या करती है, अटैक कर देती है। दो साल पहले भी आपने देखा होगा बड़ा इशू क्रिएट हो गया था, तो अभी आपको पता होगा रिसेंटली क्या हुआ कि आपके पास ये पैराग्लाइडर्स में आए और इन्होंने जो है इजरायली एरियाज में क्या कर दिया, फायरिंग कर दिया, और अब इसके जो काउंटर है इसमें इसराइल जो है अपना आंसर दे रहा है। अभी तक का जो इंडिया का स्टैंड था, जब यूनाइटेड नेशंस में भी दो साल पहले जब आपके पास वोटिंग हुई तो इंडिया ने अगेंस्ट इसराइल और प्रो पैलेस्टीन जो है वोटिंग करी थी, अभी तक का इंडिया का स्टैंड जो था वो प्रो पैलेस्टीन था। इवन हम लोगों को डाक टिकट भी हम लोगों ने रिलीज़ किया, आप लोग गूगल इमेजेस में देख सकते हो। अब रिसेंटली इंडिया, बिकॉज इंडिया को कई बार जो है इसराइल ने साथ दिया आपके पास वॉर में, 1971 की वॉर में, इसके अलावा 99 की वॉर में अनकंडीशनल सपोर्ट दिया अगेंस्ट पाकिस्तान, किसने, इसराइल ने। और इंडिया जो है सबसे बड़ा क्या कर बन चुका है जो इसराइल का, हमारा जो इसराइल है हमारे नंबर टू सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, और इसराइल का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर डिफेंस में कौन बन चुका है, इंडिया बन चुका है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एग्रीकल्चर में हमारे उनके साथ क्या हुए हैं, आपके बहुत सारे समझौते हुए हैं। तो अब इंडिया जो है पहली बार जो है बोल रहा है इसराइल के फेवर में, और इंडियन गवर्नमेंट का आपने देखा होगा रिसेंटली तो थोड़ा सा स्टैंड है वो हल्का सा शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स किस लिए, इसराइल के लिए, क्योंकि हम लोगों के लिए क्या है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्या होता है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई अपना नहीं होता, ठीक है, और कोई दुश्मन भी नहीं होता, नो परमानेंट फ्रेंड नो परमानेंट फो। तो अभी हमारे पास बेसिकली क्योंकि वी ऑल्सो नीड सम स्ट्रांग सपोर्ट, ठीक है, तो हम लोगों को टेक्नोलॉजिकली, इसके अलावा हमारे पास जो आपके इसराइल की जो मोसाड है और इंडिया की जो रॉ है, इसके अलावा आपके पास नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO है, तो हमारी जो आपके पास इंटरनेशनल स्पाइंग एजेंसीज हैं इंडिया की और आपकी इसराइल की, उनके बीच में भी बहुत सारे कह सकते हो स्ट्रांग टाइप है, टाई होल्ड्स है, जो कि एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। इसराइल की मोसाद इंडिया को कई जगहों पर हेल्प करती है, हालांकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती कि कहाँ कहाँ पर जो है आपका इसराइल ने जो है हमें हेल्प किया, क्योंकि ऑब्वियसली दीज आर कॉन्फिडेंशियल फॉर नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित के लिए कॉन्फिडेंशियल होती है। बस ये है कि क्लियरली कि मोसाद जो है इंडिया के कई सिचुएशंस में सपोर्ट करती है और ट्रेनिंग भी देती है, ठीक है, तो हम लोग जॉइंट एक्सरसाइजेस करते रहते हैं मोसाद के साथ, इंटरनेशनल एजेंसी जो मोसाड है दैट इज ऑफ इसराइल, और इंडिया की जो इंटरनेशनल स्पाइंग एजेंसी है दैट इज रॉ एंड नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो 2005 में एस्टेब्लिश हुई थी। तो अब इंडिया का, क्योंकि बेसिकली इंडिया के डिफेंस स्पाइंग, ठीक है, और जिसे हम इंटेलिजेंस भी बोलते हो, इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स में या इसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, आपको बता दूं इंडिया की जो इंटेलिजेंसी है एक सैटेलाइट यूज़ करती है, उसका नाम है रीसेट टू, ये हम लोगों ने इसराइल से ही प्रोक्योर करी, इंटेलिजेंस सैटेलाइट है रीसेट टू, ये हम लोगों ने रीसेट सीरीज में रीसेट टू जो सैटेलाइट है दैट इज़ ऑल्सो प्रोक्योर्ड फ्रॉम इसराइल, तो वी मस्ट नो कि ये इसराइल से ही प्रोक्योर हुई है। तो अब इंडिया को जो है थोड़ा सा शिफ्ट लेना पड़ा अगेंस्ट, बिकॉज हमारे पास जो है हम लोग क्या है एग्रेसिव एनिमीज से घिरे हुए हैं, और आपको पता है गलवान का क्राइसिस, आपको पता है चाइना का क्या है, अरुणाचल प्रदेश के लिए उसका क्या स्टैंड है, इसके अलावा पाकिस्तान का आप लोग जो है एग्रेसिव जो मोड है कई बार देख लेते हैं, तो हमें क्योंकि हम लोग इस तरह के नेबर से जो है घिरे हुए हैं तो वी ऑल्सो नीड दिस काइंड ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल, कोई कंट्री हो जो इस तरीके से सपोर्ट कर सके, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा शिफ्ट लेना पड़ा है। अब बेसिकली क्या है वेस्ट, जो आपका खाली इंडिया नहीं अरेबियन वर्ल्ड भी ऐसा ही कर रहा है, तो यूएई और इसराइल ने जो है क्या करा आपके पास पैक्ट किया, इकोनॉमिक पार्टनरशिप करी, ऐसा बोला जाता है पैसा अरबियों का होता है पर उसे चलाते यहूदी हैं, पैसा किसका होता है अरबियों का होता है चलाते उसे यहूदी हैं, और देखो इसी का जो रिजल्ट है वो क्या है उनके बीच में जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुई, तो यूएई ने क्या किया हमास के अटैक को क्या किया एक सीरियस और ग्रेव एस्केलेशन कहा, मतलब आपका हमास को जो है वो इनडायरेक्टली अगर है ब्लेम कर रहा है फॉर द प्रेजेंट एस्केलेशन जो आपके पास पैलेस्टीन में इसराइल कर रहा है, ठीक है, जो फायरिंग कर रहा है बॉम्बिंग कर रहा है, और ये आपके पास पहले का मैं बता रहा हूँ, ये पहले का फोटो है, ठीक है, दो साल पहले का, तो आपके पास ये जब उनके बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुई थी बिटवीन इसराइल एंड आपके पास यूएई, तो देख सकते हो इनकी पार्टनरशिप है। इसके अलावा अरब के और मुल्क भी जो है इसराइल की तरफ आ रहे हैं, तो ये आपके पास देख सकते हो ये यूएई है,
और आपके पास बाकी जो है ये इसराइल है, ये ठीक है, ये इसराइल है, ये आपके पास पैलेस्टीन का एरिया है, वेस्ट बैंक और जिसे हम लोग गाजा स्ट्रिप कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर देखो ये इनके जो है ये मॉस्क है, ठीक है, ये मॉस्क है, ये पूरा जो ये पूरा का पूरा कॉरिडोर है, ये मॉस्क है, यहीं पे तीन जगह के ये पूरे एरिया में, यहाँ पे वेस्टर्न वॉल जो यहूदियों की इंपॉर्टेंट प्लेस है, बोले जाते हैं कि पुराना टेंपल इनका यहीं पे था, इसके यहाँ मॉस्क, और यहीं पे एक चर्च है जहाँ पर ईसा मसीह को जो है सूली पे चढ़ाया गया था, ठीक है, जहाँ पे उनको आपको पता ही होगा पूरी कहानी। तो ये आपके पास है, इसके पास यहाँ पे ये मॉस्क है, इसके पास एक अलक्सा, ये जो पूरा जो कॉरिडोर है डेट इज़ अलक्सा कॉरिडोर। तो ये यहूदी जो है इसे बहुत पायस मानते हैं, तो इस वजह से ऑब्वियस सी बात है वो क्या करते हैं, तीनों ही धर्म इसको जो है पायस मानते हैं, तो इसको जो है वो तीनों के तीनों क्या करना चाहते हैं, ऑक्यूपाई भी करना चाहते हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन में बिकॉज हमास ने एस्केलेट कर दिया है, तो बेंजामिन नेतन्याहू जो आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल है, तो उन्होंने कहा कि भाई डायरेक्टली इसका आंसर हम लोग जो देंगे, जवाब देंगे हमास को, और हमास को इसका जो है बदला देना पड़ेगा जिस तरीके से उसने हमारे सिटीजन को मारा है। अब एट प्रेजेंट इंडिया की तरफ से भी स्टैंड जो है क्या है, इंडिया भी इनका जो है इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, आपको पता है, ठीक है, इसराइल का। अब इंडिया को एट प्रेजेंट क्या करना चाहिए, इंडिया को जो बेसिकली मैंने पहले भी बताया है कि आपके पास इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या होता है, कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई भी परमानेंट फोन नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। तो अभी से पहले हमारा जो स्टैंड होता था वो किसका होता था, प्रो पैलेस्टीन होता था, हम लोग खुल के बोलते थे, जब यासर अराफात का समय था, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे प्रधानमंत्री, तो क्लियरली हम लोग प्रो पैलेस्टीन जो है स्टैंड लेते थे। इसके अलावा जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय भी, बिफोर कह सकते हो अटल एरा, देन ऑल्सो हमारा जो है स्टैंड क्लियर था। तो आफ्टर मोदी रिजीम व्हाट हैपेंड कि इनिशियली वी बैक्ड पैलेस्टीन एंड द कह सकते हो सपोर्टेड द एफर्ट्स ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल जो इनोसेंट हैं। आज भी हमारा यही स्टैंड है कि जो पैलेस्टीनियन जो इनोसेंट पीपल हैं देयर लाइफ शुड बी सेव्ड, बट इसके अलावा हम जो है किसी भी तरीके की टेरर एक्टिविटी को क्या करते हैं, आपका सपोर्ट नहीं करते। इंडिया किसी भी टेरर एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, चाहे वो इंडिया में आपके पास हिजबुल कर रहा हो, या पाकिस्तान फेवर्ड या पाकिस्तान बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हो, या आपके पास इसराइल में हमास कर रहा हो, ठीक है। तो इंडिया का जो स्टैंड होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल्सो नीड टेक्नोलॉजी, वी हमें सपोर्ट चाहिए, हमें सैटेलाइट सपोर्ट चाहिए, हमें कम्युनिकेशन सपोर्ट चाहिए, हमें डिफेंस पार्टनर चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास, हम लोगों ने इसराइल से मिसाइल्स भी ली है, बाराकेट मिसाइल जो है हमने इसराइल से ही प्रोक्योर करी है। इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जो आपकी मोसाड है इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी, इट इज़ कंसिडर्ड बी वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड। तो हम लोगों को इस तरह का सपोर्ट चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है इन ऑर्डर टू स्टैंड इन इंटरनेशनल पेरीफेरी अंतर्राष्ट्रीय उसमें खड़े होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इस तरीके का मजबूत पार्टनर होना चाहिए जो क्या कर सके, टिट फॉर टैट कर सके। तो इस वजह से इंडिया ने हल्का सा जो है शिफ्ट लिया है, थोड़ा टिल्ट लिया है इन इट इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। और अब जो है फर्दर आप देखते हैं कि इंडिया का अगला स्टैंड क्या होगा। हालांकि हम लोग जो है फिर भी बैलेंस व्यू में काम करेंगे, और इस तरीके से काम करेंगे कि हम लोग जो पैलेस्टीन के इनोसेंट पीपल है उनका तो सपोर्ट करें, बट आपके पास जो हमास टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका बिल्कुल बायकॉट करें। जैसे कि आपका यूएई ने देखा, आपने देखा कि यूएई ने भी जो है उसको बायकॉट किया, मतलब ऑब्वियस बात है उन्होंने जो है बोला कि जो हमास का जो एक्शन था वो एस्केलेट कर रहा है, चीज़ों को ख़राब कर रहा है, जो आपके पास बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, जय हिंद, जय भारत।